जय श्री कृष्ण अम्बा। सजा दीजिए। हल्के से इस कलश को उड़ेल दो और उसके बाद घर की दहलीज को लांग कर अंदर आने की कोशिश भी मत कर क्योंकि घर में ना आने की तुम्हारी औकात है ना हैसियत। मुझे पता है ये दिमाग से ना पैदल है। ए लड़की, ए लड़की। तमीज से बात करना। आंखें क्या दिखा रही है? मॉम मतलब माँ सोनाक्षी। मॉम आप इसे बनाओगे तुम मेरी बहू? किसे जरा भी तमीज नहीं होगी कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। इधर देखो, मेकअप की दुकान हूँ मैं, गोरी कबूतर हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखिए, याद रखिएगा, ये लड़की कभी भी मेरी बहू नहीं बनेगी जिसे बात करने की तमीज तक नहीं। तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ना कि उसे पाला जाता है। आप लोगों में से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि कौन है ये लड़की? फिरौती कहीं गुनाहों के लिए तो ये जेल जा चुकी है। पुलिस स्टेशन में इस लड़की की तस्वीरें लगी है और तुमसे ये गलती हुई है कि तुमने अपने आप को मेरे बेटे के लायक समझा, बनने का सपना देखा, एक चोरनी का सर्टिफिकेट मिला हो पुलिस की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से। आपके भोलेपन का तो कोई भी फायदा उठा सकता है। अगर किसी का कसूर है, तुम पहले ही बहुत परेशान थी, तुम्हारे डैड की तबीयत खराब थी और ऊपर से हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जिक्स, किसी के थ्रू तो बता सकते थे ना। प्लीज समझने की कोशिश करो, हम शांति से बैठकर बात। उसके लिए से बख्शीश दे देते। परी, आप लोगों ने इसे इनाम में मेरा बेटा ही दे दिया। बस तुमने परी थी, तुम्हारी जेठानी गोपी बहू यहाँ उपस्थित है और एक तुम हो, सुनने का भी प्रयास नहीं कर रही हो। आज तुम्हारा बेटा साहिब अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ है, ये है माँ का प्यार। अब तुम्हें जो भी बातचीत करनी है और वो भी घर के अंदर। तुम चुप रहोगी। घर में गृह प्रवेश करके अब शगुन इसने किया है, मैंने नहीं।